स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक का कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। रवां माली साल के दौरान महंगाई की शरह 7 से 9% के दरमियान रहेगी। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक का कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में बनने वाली कमेटी को अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहें। इख्तलाफात भुलाकर अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने पर तवज्जो दी जाए। बुनियादी मसाइल में महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों पर कंट्रोल करना शामिल है। बेशक मार्शल लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर पिछले 4 सालों में मार्शल लॉ की मिसालें दी जा सकती हैं। कमेटी को चाहिए महंगाई, बेरोजगारी और आवाम के दूसरे मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश करे। कमेटी के लिए वक्त का तायुन करे, वरना ये कमेटी भी कॉरपोरेशन कमेटी बन के रह जाएगी। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह खुद मुश्किल में फंस गई। वीडियोस लीक करने वाली हरीम शाह अपनी वीडियोस लीक होने के डर से साइबर क्राइम विंग से राब्ते करने लगी। हरीम शाह का पासपोर्ट भी चोरी हो गया। सबकी वीडियोस लीक करने वाली हरीम शाह को अपनी वीडियोस लीक होने का खौफ। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह इस बार खुद मुश्किल में फंस गई। हरीम शाह ने अपनी दोस्त आयशा शाह के खिलाफ साइबर क्राइम विंग से राब्ता कर लिया। हरीम शाह का कहना है कि आयशा शाह ने उनकी दस्तावेजात चुरा कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। हरीम शाह का पासपोर्ट भी चोरी हो गया। हरीम शाह ने इल्जाम लगाया कि आयशा शाह ने अपने दोस्त के हमरा मिलकर उन्हें हिरासा भी किया। टिकटॉक गर्ल का कहना है कि आयशा शाह पहले भी 2 मुकदमात में मुलव्वस है और जेल भी काट चुकी है। हरीम शाह इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जिनके लीक होने का हरीम शाह को इतना खौफ है। और वजीराबाद के इलाके रसूल नगर में पीर की वफात पर मुरीदैन ने अनोखी मोहब्बत का इजहार कर दिया। जनाजा बैंड बाजो और ढोल की थाप के साथ उठाया गया। जनाबे के आगे मर्दों खवातीन ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। गुलपाशी के साथ साथ नोट भी निछावर किए जाते रहे। वजीराबाद का इलाका रसूल नगर में पीर की वफात पर मुरीदैन ने अनोखी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सरबरा पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने बलोचिस्तान के अवाम को वसाइल देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि बलोचिस्तान की महरूमियाँ दूर हो गईं तो भारत साजिशें नहीं कर पाएगा। अवाम अपने हकूक के रखवालों को मुंतखब कराकर असम्बलियों में भेजते हैं, लेकिन एक रात में मुंतखब नुमाइंदे वफादारियाँ तब्दील कर देते हैं। वो क्वेटा में जलसे से खिताब कर रहे थे। मुकामी हुकूमतों को मजबूत कीजिए, मुकामी हुकूमतों को इख्तियार दीजिए, मुकामी नुमाइंदों को लीडर बनने दीजिए। बलोच हर इंसान उसी तरह से पाकिस्तानी है जिस तरह से किसी और सूबे के लोग पाकिस्तानी हैं। ऐ पाकिस्तान चलाने वालों, जब तक ये महरूमियां रहेंगी दुश्मन हम पर हमला करता रहेगा। पाकिस्तान का जो खजाना बलोचिस्तान के नाम पर खर्च हो रहा है वो सिर्फ चंद लोगों की जेबों में जा रहा है। अवाम को अख्तियार दो। पाक सरजमीन पार्टी ऐसी क्यादत निकालना चाहती है जो रातों रात असेंबलियों में जाकर अपनी वफादारी ना बदले, एक रहमतें ना बदले। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम बयान दे दिया। मुफ्ती आजम का कहना है कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज़ है। वैक्सीन लगवाने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन उजलाती तौर पर लगाई जाती है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम बयान दे दिया। मुफ्ती आजम का कहना है कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज़ है। वैक्सीन लगवाने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। मजीद कहा कि कोरोना वैक्सीन उजलाती तौर पर लगाई जाती है, इससे रोज़ा नहीं टूटता।
कराची आर्ट्स काउंसिल में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। अजीम फनकारों जिया मोहियुद्दीन, जावेद शेख और अनवर मकसूद ने भी वैक्सीन लगवा ली। फनकारों का कहना है कि सिंध हुकूमत अच्छे काम कर रही है, इसका साथ देंगे। लगवाने आया हूँ कोविड, मुझे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका भी हो सकता है। बड़ी तहजीब, तमीज, साफ सुथराई, कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और साथ साथ में सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल का, प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब का। हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़बरदस्त काम करते हैं और इस दफ़ा भी करते हैं और जीत गए। और सिंध गवर्नमेंट का खास तौर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वैक्सीनेशन मुझे लग गई है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज हैं वो देख के और शाह साहब के प्यार देख के और इनका सिस्टम देख के वाकई दिली खुशी हो रही है। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी कमाल ही कर दिया। खातून असिस्टेंट कमिश्नर का एक माह में पांचवी बार तबादला हो गया। खातून अफसर फरीदा तरीन महकमा सनत में सेक्शन ऑफिसर तैनात हो गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि फरीदा तरीन का तबादला मामूल के मुताबिक हुआ। बलोचिस्तान हुकूमत का अनोखा कारनामा अपने ही फैसलों पर एतमाद न रहा। असिस्टेंट कमिश्नर फरीदा तरीन का एक माह में पांचवी बार तबादला कर दिया। फरीदा तरीन 11 फरवरी को एसी कोयटा तैनात हुई, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि सूबाई हुकूमत ने अपना ही ऑर्डर उसी रोज मुअत्तल कर दिया। खातून ऑफिसर को 16 फरवरी को महकमा सर्विसेज में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर तबादले के अहकामात मिले। फरीदा तरीन ड्यूटी पर पहुंची तो 25 फरवरी को महकमा सर्विसेज के ही दूसरे सेक्शन में भेज दिया गया, लेकिन तबादलों का सिलसिला थमा नहीं। 16 मार्च को फिर असिस्टेंट कमिश्नर फरीदा तरीन का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से ट्रांसफर करके इन्हें महकमा सनत में सेक्शन ऑफिसर लगा दिया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बार बार तबादला मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये बिल्कुल एक मामूल का मामला है और ऑफिसर्स किसी भी रैंक के उनके ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। अब देखना ये है कि एक ही ऑफिसर के तेज रफ्तारी से तबादले को ब्रेक लगती है या फरीदा तरीन को जल्द नए ट्रांसफर ऑर्डर मिलते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस ने मुलाकात की। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा भी आर्मी चीफ से मिले। मुलाकातों में अफगान अमन अमल, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन फौज के सरबराह जनरल छोंद्रा सिल्वा ने GHQ में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंकन जनरल ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन बाहमी ताल्लुक में मजीद वसअत लाई जाएगी। श्रीलंकन फौज के सरबराह जनरल छोंद्रा सिल्वा GHQ पहुंचे तो पाक फौज के चौको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल सिल्वा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ में मुलाकात की। अफगान अमन अमल, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में दो तरफा फौजी तआवुन को बढ़ाने पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने मजबूत सिफारती, मौशी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से इलाकाई अमन सलामती के लिए दो तरफा ताल्लुकात में वसअत के अज़्म का इजहार किया गया। बहरीनी कमांडर नेशनल गार्ड ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मजबूत किरदार को सराहा। मौसम के सूरतेहाल के हवाले से बात करें, अगले 24 घंटे में मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, कहां पारा चढ़ेगा और कहां बादल बरसेंगे, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी साथी एंकर अनम नवाज की तरफ। जी अनम। शुक्रिया मदीहा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की और जान लेते हैं कि आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शहर इक्तदार इस्लामाबाद की जानिब। तो इस्लामाबाद का जो सियासी मौसम है वो तो गर्म ही रहता है, लेकिन शहर का मौसम कदरे बेहतर नज़र आ रहा है और जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासब है वो 21% रहेगा। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल आपने जानी और अब बढ़ेंगे सुबह सिंध की जानिब। और सुबह सिंध के मौसम की सूरत हाल
हाल जानेंगे। सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क नजर आ रहा है। अगर कराची के मौसम की बात की जाए तो कराची का जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 35% रहेगा। कराची के बाद रुख करेंगे हम सुबह पंजाब की जानिब, तो सुबह पंजाब में अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है, ना सर्द है और ना ही गर्मी है। अगर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 32% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों का जो मौसम है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, बादलों का राज नज़र आ रहा है। और पेशावर के दर्जा हरारत की बात करें तो पेशावर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो 45% रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सुबह बलोचिस्तान की जानिब, तो सुबह बलोचिस्तान में भी कदरे सर्दी है अब तक, और जैसा कि नज़र आ रहा है कि बेशतर इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं। क्वेटा के दर्जा हरारत की बात की जाए तो क्वेटा का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 58% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, तो गिलगित में हमेशा सर्दी ही रहती है, मौसम सर्दी रहता है वहाँ का। और स्कर्दू के दर्जा हरारत की बात की जाए तो स्कर्दू का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 24% रहेगा। आखिर में बात करेंगे कश्मीर के मौसम की, और कश्मीर का मौसम हमेशा ही खूबसूरत रहता है कश्मीर की तरह। और मुजफ़्फ़राबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुजफ़्फ़राबाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 24% रहेगा। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, वेदर सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही, एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो। मौसम के बाद खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खुद पर लगे इल्जामात पर बात करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि खातून के इल्जामात का मामला अदालत में है जिस पर जल्द फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुश्किलात आती रहती हैं, पहले भी फोकस खेल पर रहा और अब भी तवज्जो खेल पर है। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन के हवाले से बहस होती है और होनी भी चाहिए। तो आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि मेरे खिलाफात हैं टीम सिलेक्शन पे। मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं, जो मीटिंग की बातें हैं, वो मीटिंग रूम तक रहें तो ज्यादा अच्छा है। डिबेट होती है, डिबेट अच्छी होती है। मेरे जो वो कोर्ट में चल रहे हैं और मेरे जो वकील हैं उसको हैंडल कर रहे हैं, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। फोकस मेरा हमेशा क्रिकेट पे होता है। देखें हर्डल्स हर तरफ से आती हैं, ये नहीं है कि मैं उससे फोकस हटा लूं। इवन के इसके अलावा भी बहुत सी हर्डल्स होती हैं, वो भी हम फेस करते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं, मैं एज अ प्लेयर कोशिश यही करता हूं कि जितना मैं क्रिकेट पे फोकस रखूं उतना मेरे लिए अच्छा है और टीम के लिए अच्छा है।